अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और अभी अभी आपने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, क्लियर ऑडियो के लिए अगर आप सोच रहे हैं महंगा माइक खरीदने की, तो अभी आप रुक जाइए, क्योंकि आप अपने स्मार्टफोन का यूज करके भी क्रिस्टल क्लियर ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि फिलहाल मैं यहाँ पे अपने आवाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वेल हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम दिव्यांश और आप देख रहे थे हाईटेक हैकर, और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। जो कंपोनेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है एक डेटा केबल और एक स्मार्टफोन। डेटा केबल आप अपने स्मार्टफोन के हिसाब से कोई भी ले सकते हो। फिलहाल मेरे फोन के अंदर टाइप बी का स्लॉट है, तो मैं यहाँ पे टाइप बी का डेटा केबल ले लेता हूँ। सो स्टेप नंबर वन है, आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है अपने पीसी के अंदर, सर्च करना है वो माइक। अब वो माइक सर्च करने के बाद आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले वाली वेबसाइट आ रही है, उसके ऊपर टैप करना है। साइड में आपको मिलेगा डाउनलोड्स का बटन, सिंपल डाउनलोड वाले बटन पर टैप करना है। फिर स्क्रॉल डाउन करना है, आपको नीचे मिलेगा वो माइक इंस्टॉलर फॉर विंडोज, सिंपल इस पर टैप करना है, सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको सिंपल इस सेटअप को कर लेना है इंस्टॉल। अब स्टेप नंबर टू है, अपने फोन को उठाओ और उसे प्ले स्टोर ओपन करो और सर्च करो वो माइक, इस वाली एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। अब स्टेप नंबर थ्री है, जो डेटा केबल था उसको कनेक्ट करना अपने पीसी से और दूसरी वाली साइड को कनेक्ट करना अपने फोन से। अगर आपके फोन में यूएसबी डीबगिंग ऑन नहीं है तो सिंपल आपको यूएसबी डीबगिंग ऑन कर लेनी है। अगर आपको यूएसबी डीबगिंग ऑन करना नहीं आता है तो यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उसको देखकर यूएसबी डीबगिंग ऑन कर सकते हो। फोन को कनेक्ट करती है, आपके फोन की स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको फोन चार्ज करना है या फोटोज या फाइल्स को ट्रांसफर करना है, ऐसे ऑप्शंस आ रहे होंगे। इन ऑप्शंस में से आपको एक भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है, सिंपल आपको इस पॉपअप के बाहर आउटसाइड वाले एरिया जो आपको दिख रहा है यहाँ पे सिंपल टैप करना और ये पॉपअप को आपको हटा देना है। अब स्टेप नंबर फोर है, अपने फोन की वो माइक की एप्लीकेशन के अंदर जाना है, ऊपर से थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे मिलेगा सेटिंग ऑप्शन। अब सेटिंग के ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपको ट्रांसपोर्ट के अंदर यूएसबी को चूज कर लेना है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लियर ऑडियो आपको यूएसबी के अंदर मिलने वाला है। बस सारे स्टेप हो चुके हैं, सिंपल से दिख रहे इस प्ले बटन के ऊपर आपको टैप करना है, जिससे आपका वो माइक फोन से तो एक्टिवेट हो जाएगा बट आपको पीसी से कनेक्ट करने के लिए वो माइक को ओपन करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर के अंदर। देन यहाँ पे आपको कनेक्शंस के अंदर जाना है, देन यहाँ पे आपको यूएसबी को चूज करना है और कनेक्ट के ऑप्शन पे टैप कर देना है। गाइस आपका यहाँ पे माइक्रोफोन कनेक्ट हो चुका है। अब आपको ओपन करना है कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर। ऑडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि मैं यहाँ पे ऑडियोसिटी यूज कर रहा हूँ, आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आप उसको ओपन कर सकते हो। देन आपको जाना है ऑडियो सेटअप्स के अंदर, जहाँ पे जाना है रिकॉर्डिंग डिवाइस के अंदर। रिकॉर्डिंग डिवाइस में आपको वो माइक को चूज कर लेना है। अब आप जो भी चीज रिकॉर्ड करोगे वो इस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होगी। एंड वॉइस रीडिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में आई बटन के अंदर भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो आई होप सो यू विल एंजॉय दिस वीडियो, एंड कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप सिंपल कमेंट ऑन कर सकते हो, मैं इसका आंसर आपको दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।